पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी, तीन बार पूर्वी दिल्ली से सांसद रहा हूं, दिल्ली मिनिस्टर रहा हूं। 25 जून 1975 को रामलीला ग्राउंड में जयप्रकाश नारायण की सभा सुनने गए थे। रात को 9 बजे घर आए, सुबह हुआ तो पता चला कि आपातकाल लग गया, इमरजेंसी लगा दी गई है, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमको कहा गया कि आप घर पे रहिए। उसके बाद हम तितर-बितर हो गए और हम कैलाश नगर में किसी के घर रहते थे, घोड़ा चौक पोस्ट में जनसंघ का मैं मंडल अध्यक्ष था, वहां मैं सभा कर रहा था और मैंने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के गुंडागर्दी का विरोध कर रहा था। वहां से हम तितर बितर हो गए, पुलिस आ गई। उसके बाद 11 जुलाई को मैं जहां था, मेरे को बताया कि आपका छोटा बच्चा बहुत सीरियस है। मैं रात को उसको मिलने आया, अभी घर में बच्चे को देख नहीं दिया और पुलिस ने गाड़ी में दोबारा बिठा दिया। मुझे सीरमपुर थाने ले गए, 3-4 दिन तक यातनाएं देते रहे और बाद में वहां पर सेंट्रल जेल यहां तिहाड़ में मुझको भेज दिया। 3 महीने का DIR लगा दिया, 107-151 में हमको गिरफ्तार किया पहले, फिर DIR लगा दिया। 90 दिन के बाद बाहर आया तो मॉरिस नगर थाने की पुलिस आ गई और मुझे फिर 2-3 दिन बाहर रहती रही, तंग करती रही और उसके बाद फिर तिहाड़ जेल भेज दिया। लगभग 4-5 बार मुझे तिहाड़ जेल बाहर लाना ले जाना ये करते रहे। मैंने कुछ लोगों को कहा फिर जबर मत कराइए, ये मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। और जब आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हो गई तो उसके बाद मैं 19 महीने जेल में रहा, मेरे बच्चे बर्बाद हो गए, मेरी नौकरी चल गई और मेरी पत्नी जो है उसको सब्जी बेचने पर मजबूर होना पड़ा। ये अत्याचार जो हुआ है और देश की जनता ने 77 के चुनाव में उनको धराशायी कर दिया। मैं आज के दिन यही कहना चाहता हूं कि इस देश में कोई आपताई पैदा नहीं होगा, भविष्य में कोई इमरजेंसी लगेगी नहीं और जो लगाएगा उसका चकना चूर हो जाएगा। हम लोगों ने बड़ी आत्माएं सही है। धन्यवाद।